जय हिंद दोस्तों। बहुत बढ़िया वैकेंसी है हाई कोर्ट मध्य प्रदेश से। क्या है, स्टेनोग्राफर की और असिस्टेंट गार्ड 3 की है। भर्ती 2021 निकल गई है, तो इसमें पद की अगर मैं बात करता हूँ तो 1255 पोस्ट है, जबरदस्त है। 20/12/2021 इसकी लास्ट डेट है, मैक्सिमम में 40 है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें, और इसके लिए आपको आए प्रयागराज.com पर, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप क्लिक करेंगे डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। आइए देख लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर अगर आप डेट देखेंगे तो 30/11/2021 से इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। फॉर्म आप भर सकते हैं, लास्ट डेट 30/12/2000। टोटल 1 महीने का समय मिला है, आप आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट फीस जमा करने की भी 30/12/2021 है, तो इसी के अंदर आप फॉर्म भी भर सकते हैं। एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन डेट दोनों भी सून है, क्लियर नहीं है। जैसे ही क्लियर होगा आप लोगों को पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं पता चलता है, या फिर किसी कारणवश आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड नहीं कर पा रहे, कोई समस्या हो गई है, तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है। यहाँ पर अब अगर आप आएंगे, मुझे ट्वीट करेंगे, तो आपका फॉर्म, आपका नोटिफिकेशन, आपका एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करके मैं आपको दे दूंगा। और कोई भी क्वेरी होगी इस ट्विटर के अकाउंट के माध्यम से, या फिर ये हमारा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर देखिए वीडियो में बना रहा हूँ, बट अभी भी इसका नोटिफिकेशन जा चुका है। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप आएंगे सारी नई नई इन्फॉर्मेशन, इसका सिलेबस वगैरह सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बस हरते आपको फॉलो करके ट्वीट वगैरह कर देना है, मैसेज वगैरह कर देना है। अब यहाँ पर एडमिट की फीस देख लेते हैं इस फॉर्म की। तो जनरल और अदर स्टेट के लिए 777 रुपए 2 पैसे, ठीक है, और ओबीसी SC ST EWS को 577 रुपए 2 पैसे देना है। ध्यान रखिएगा 577 और 777। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से आपको पैसे जमा करने हैं। आयु की वहीं पे मैं बात करता हूं, तो आयु यहां पे 1/1/2021 से काउंट होगा, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल रखा गया है। अब यहां पर देख लेते हैं पोस्ट की, एक एक पोस्ट के बारे में हम देख लेते हैं। तो वैकेंसी डिटेल देखिए, 1255 पोस्ट है। पहले पोस्ट की बात अगर मैं कहते हैं आज लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो 108 पद है। एलिजिबिलिटी के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, और उसके बाद CPCT स्कोर कार्ड जरूरी है इसकी। ये आपके पास स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को ट्वीट करेंगे तो CPCT के बारे में मैं बृहत में आपको बता दूंगा। उसके बाद हिंदी है, शॉर्ट हैंड की जो स्पीड होनी चाहिए, हिंदी शॉर्ट हैंड एक अलग से एक लैंग्वेज टाइप होता है कि मुंह से बोलो और लिखते जाओ, ऐसा कुछ एक होता है शॉर्ट हैंड, आप लोगों को पता होगा। 100 WP वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। कंप्यूटर डिप्लोमा किस टाइप का, उसके लिए मैं अलग से आपको बता दूंगा मेरे ट्विटर पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। अब यहाँ पर दूसरी पोस्ट की मैं बात करता हूँ, तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, ध्यान रखिएगा पहला जो पोस्ट था वो ग्रेड 2 था, ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे में ग्रेड 3 है। 205 पोस्ट है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, इसमें भी CPCT का स्कोर आवश्यक है, कार्ड जो होता है। उसके बाद इसमें शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट और कंप्यूटर वर्ड एक कंप्यूटर का आपके पास 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरी पोस्ट की बात करता हूँ, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कोर्ट मैनेजर स्टाफ की ये वैकेंसी है, ध्यान रखिएगा स्टेनोग्राफर की है बट ये कोर्ट मैनेजर स्टाफ की है। टोटल 11 पद है। भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना चाहिए, CPCT का यहाँ पर स्कोर कार्ड आवश्यक है। शॉर्ट हैंड 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अब आगे पोस्ट की मैं बात करता हूँ, असिस्टेंट गार्ड 3 सहायक गार्ड 3 की यहाँ पर वैकेंसी है। 910 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्ट्रीम से बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, CPCT कार्ड का जो स्कोर कार्ड है वो अभी आपके पास होना चाहिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। लास्ट अगर आप पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट गार्ड 3, यहाँ पर देखिएगा असिस्टेंट गार्ड 3, इंग्लिश नॉलेज, जिसके पास इंग्लिश की मतलब आप इंग्लिश बोल सकते हो, इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज हो, लिख सके वगैरह वगैरह। टोटल पोस्ट 21 है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना चाहिए, इसमें भी CPCT का स्कोर कार्ड आवश्यक है। यानी जान लीजिए जितने भी आपके पास यहाँ पर पद है उसमें सब में CPCT का स्कोर कार्ड आवश्यक है। अंग्रेजी आशुलिपिक 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होना चाहिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में देखिए जनरल में 49 है, ओबीसी में 15 है, SC ST में कम से 17 27 है, टोटल 108 है। इसी तरह ग्रेड
थ्री में स्टेनोग्राफर 72, 26, 30, 77 और 205। इसी तरह सभी ग्रेड आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल। अब मैं बात कर लेता हूँ फॉर्म को कैसे भरना है, इसका इंपॉर्टेंट डेट, इसका ही लिंक वगैरह। तो यहीं पर देखिए मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आपको इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे और यहीं पर आपको यहाँ पर देखिए पांचवें नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर डाउनलोड हो गया। आवेदन 30/11/2021 से 30/12/2000 के बीच में कर सकते हैं। तो जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग में। ABC ग्रुप नंबर है, उसके बाद आश्लिपि के वगैरह अगर आप देखेंगे शीघ्र लेखक ग्रेड टू यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड टू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी, टोटल 108 पोस्ट है। और ग्रेड थ्री में जाएंगे तो भी आप सैलरी वेतन मान देख सकते हैं 205 पोस्ट है। 910 वाले में अगर आप देखेंगे सहायक ग्रेड में तो सैलरी वगैरह सब कुछ देख सकते हैं। अब जो इसमें वेतन वगैरह मिलेगा ये भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। अगर इसमें जो सैलरी कि मैं ज्यादा कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल भी दिया हुआ है, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया था ऑलरेडी, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप मुझसे अलग से भी पूछ सकते हैं, कैसे, मेरे ट्विटर अकाउंट से, मेरे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन पे, टेलीग्राम ग्रुप पर जाके। इसका सिलेबस वगैरह चाहिए होगा तो भी आप बता देंगे। अब देखिए ये पूरा इसका जो है अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर फॉर्म बता रहा है तो क्लिक कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि एडवर्टीजमेंट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। तो ये एडवर्टीजमेंट हो गया है, अब आइए इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पांचवें नंबर पर आप जाकर इसका एडवर्टीजमेंट ले सकते हैं। इसी के लिए फॉर्म भरने के लिए क्लिक हियर सबसे टॉप पर ही आपको क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो यहीं पर सबसे देखिए सबसे टॉप पर ही आपको स्टेनोग्राफर को देखने को मिल जाएगा। एडवर्टीजमेंट के लिए आप क्लिक यहाँ सबसे टॉप पे करिए, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक कर दीजिए तो रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। इसको आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद देखिए इसके यहाँ पर आप भरना शुरू कर दीजिए। पर्सनल डिटेल में इंडियन डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर जो भी आप जिस गिवन रेट को भरना है उसको भर दीजिए, वन बाय वन, मिस्टर मिसेस जो भी है। इस तरह कुल मिला के आपको अपने फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, मैरिड स्टेटस, ओबीसी, एससी एसटी किससे बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको डालना पड़ेगा। ध्यान रखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मत गलत कीजिएगा, नहीं तो आपको ओटीपी नहीं मिलेगा। ओटीपी जब मिलेगा तो आप इसको रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक। ये सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर सबसे नीचे जाकर आप इसको लॉगिन का ऑप्शन भी देख लेंगे और यही सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। देखिए डायरेक्ट चाहिए आपका नोटिफिकेशन तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाइए और यहाँ से लॉगिन के लिए। जब आप लॉगिन के लिए जाएंगे तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली लॉगिन आप कर पाएंगे, आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन यहाँ पर कर पाएंगे। कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है, मेरे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पर अवेलेबल है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।